हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज लेके आए हैं वापस मॉस्किटो रैकेट की प्रॉब्लम। इसमें दोस्तों हमने सब कुछ चेक कर लिया, इसमें स्पार्क की प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। खोल के आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें स्पार्क की प्रॉब्लम है। स्पार्क बहुत लो आ रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम चेक करेंगे डायोड्स। इसमें आगे की तरफ यहाँ पे तीन डायोड्स लगे रहते हैं, उन डायोड्स को हम निकाल के नए डायोड लगा के चेक करेंगे। दोस्तों यह है IN4007 डायोड, इनको हम सर्किट में ऊपर से लगा के एक बार चेक करते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक डायोड लगा दिया, दूसरा भी लगा दिया और अब मैंने तीसरा डायोड भी लगा दिया। अब हम इसका स्पार्क चेक करते हैं कि स्पार्क में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पार्क में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब ट्रांजिस्टर चेंज करके देखते हैं। दोस्तों यह है 882 ट्रांजिस्टर जो इसमें लगा रहता है, मैंने इसको भी लगा के चेक कर लिया, बट स्पार्क में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। चलिए अब ट्रांसफार्मर चेक करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए हम काम में लेंगे न्योन लाइट, ये 5 रुपए की एक आती है। इसकी खासियत क्या दोस्तों, इसमें वैक्यूम होता है और कोई टर्मिनल भी नहीं होते अंदर, कोई फिलामेंट भी नहीं होता है, केवल हाई वोल्टेज पे ही ये ग्लो करती है। तो इसको हम आउटपुट जो है ट्रांसफार्मर की, ये दो पॉइंट इन पर लगा के टेस्ट करके देखेंगे क्या, अगर ये ग्लो करती है तो मतलब ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ग्लो कर रहा है। थोड़ा फोकस नहीं है, मैं साइड से दिखाता हूं। ये देखिए, मतलब ये ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर भी ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्पार्क नहीं आ रहा है तो हमने चेक कर लिया, कैपेसिटर भी ठीक है, डायोड भी ठीक है, ट्रांजिस्टर भी ठीक है, ट्रांसफार्मर भी ठीक है और बैटरी भी ठीक है। जब सब कुछ ठीक है फिर भी लो स्पार्क आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए एक मेरी तरफ से एक ही सजेशन है कि जो इसमें आगे 223 2000 वोल्ट का जो कैपेसिटर में लगा हुआ है, उसके पैरेलल में हम एक दूसरा कैपेसिटर और लगा देंगे, जिससे क्या है इसकी वोल्टेज जो है कैपेसिटी आउटपुट देने की बढ़ जाएगी। ये देखिए ये कैपेसिटर है, इसको हम आगे अब इनके जो टर्मिनल है उनके पैरेलल में यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। अब देखिए मैंने इसकी सोल्डरिंग भी आगे टर्मिनल पे कर दी है। दोस्तों इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं इस कैपेसिटर को। अब देखिए दोस्तों, मैं पैक कर दिया है, अभी का साउंड देखिए। देखा दोस्तों आपने, इसका स्पार्क भर चुका है। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों आप पैरेलल में दूसरा सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा के इस रैकेट की जो कैपेसिटी है पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।